जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। कभी कभी आदमी के न चाहते हुए भी जबान से कोई शब्द निकल जाता है, कभी कभी आदमी के न चाहते हुए भी जबान से कोई शब्द निकल जाता है। जनार्दन द्विवेदी जी क्या ये नहीं जानते कि जिसने ऐसा बयान दिया वो सज्जन किस ओहदे पर है? देश के जिम्मेदार नागरिक और गृह मंत्री होने के बावजूद अगर जुबान पर नियंत्रण ना हो तो ऐसे में बयान देने वाले की मानसिक स्थिति पर सवाल उठना लाजमी है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जो कहा उससे ये साफ हो जाता है कि वो भाजपा और संघ की बढ़ती लोकप्रियता को धूमिल करने की फिराक में थे और देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी से जिस तरह लोगों का भरोसा उठता जा रहा है उसकी भरपाई करने वो जयपुर में एकत्रित हुई। इस मीटिंग को चिंतन शिविर का नाम दिया गया। चिंतन शिविर पर देशवासियों ने सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक और ट्विटर पर जमकर चुटकी ली। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। शिंदे के आपत्तिजनक बयान पर बचाव में उतरी कांग्रेस। जब गृह मंत्री की देश भर में किरकिरी हुई और भाजपा और संघ ने उनके इस बयान का विरोध किया तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और बीच बचाव करने लगी। कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने शिंदे का बचाव करते हुए कहा, पहले भी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता और गृह मंत्री ने शायद दूसरे दिन कहा भी था कि उनका आशय ये नहीं था। कभी कभी आदमी के न चाहते हुए भी जबान से कोई शब्द निकल जाता है। जनार्दन द्विवेदी के इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि कांग्रेस वोट बैंक के खेल में किस हद तक जा सकती है। जनार्दन द्विवेदी कहते हैं कि पार्टी का कहना है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, फिर गृह मंत्री शिंदे और दिग्विजय सिंह जो कहते हैं उसके क्या मायने हैं? क्या वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते? भाजपा का देशव्यापी विरोध। हिंदू और भगवा को आतंकवाद के साथ जोड़ने का क्या मतलब है? हमारा आरोप है कि भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यता जनक परंपरा और विरासत का घोर अपमान है। सोनिया गांधी माफी मांगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे, शिंदे को बर्खास्त करें और जब तक इस पूरे के पूरे बयान के लिए ये माफी नहीं आती और ये कार्रवाई नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन जारी। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं।